हेलो डियर पेरेंट्स मेरा नाम है दिशान अली आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर जनरल नॉलेज थ्री पेपर सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो वी आर गोइंग टू मूव टू वर्ड्स आवर फर्स्ट एम सी क्यूज डेट इज सिंध रिवर हैज़ बीन मैंशनड इन रिग्ड वेड सो राइट ऑप्शन इज सी सेकेंड एमसीक्यूज पाकिस्तान वॉज री एलेक्टेड फॉर सेवन टाइम टू यू एन कमेटी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन सो थर्टीन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू को पाकिस्तान सेवन टाइम यू एन कमेटी के अंदर नॉन गवर्मेंटल ऑर्गनाइजेशन के तौर पर री एलेक्ट हुआ है थर्ड एमसीक्यूज़ क्यूज़ है हु रोट द बुक किताबुल हिंद तो अलबरूनी जो है उन्होंने किताबुल हिंद लिखी तो राइट ऑप्शन इज़ डी फोर एम सी क्यूज़ है वट इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटैसट माउंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलेबोरेशन वह है जी कुराक्रम हाईवे सो रॉइट ऑप्शन इज़ बी फिफ्थ एमसी क्यूज़ है विच माउंटेन रेंज सपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वो है जी द हिंदू कश सो रॉइट ऑप्शन इज़ सी सिक्स एम सी क्यूज़ है हु वॉज़ फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन फस्ट नैशनल असम्बली कॉन्ट्टिट्यूट अंडर द 1962 सिक्सटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान वो थे जी सरदार बहादुर खान सो राइट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट हमारे पास है जी एम सी क्यूज नंबर सेवन वट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयरड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सो हमारे पास नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंदर उर्दू और बंगाली दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था तो राइट ऑप्शन इज़ डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट हमारे पास है एटमसी क्यूज पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ सब मेरीन लॉन्ट क्रोजाइल मिजाइल बाबर थ्री हैविंग अ रेंज ऑफ फोर फिफ्टी किलोमीटर ऑन सो पाकिस्तान ने नौ जनवरी दो हज़ार सत्रह को पाकिस्तान ने ये अपना क्रूज मिसाइल बाबर थ्री जो है जिसकी रेंज फोर फिफ्टी फाइव किलो फोर फिफ्टी किलोमीटर थी इसका सक्सेसफुल इसको फायर किया सो राइट ऑप्शन इज़ ए नाइन एम सी क्यूज़ है रब डतर वाज डैश ऑफ पाकिस्तान सो so जो अब्दुल रब डतर हैं ये पाकिस्तान के फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे टेन एम सी क्यूज़ है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यू एन यू एन पीस कीपिंग मिशन कॉन्स्टिट्यूट अवर डैश परसेंटेज ऑफ यू एन टोटल डेवलपमेंट सो पाकिस्तान नाइन परसेंट यू एन में लार्जस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग मिशन में 11 एम सी क्यूज़ है जी वट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक तो सी पैक पे अबाउट सिक्सटी टू बिलियन डॉलर जो है खर्च जो है वो कर चुका है चाइना सो डेट इज़ बी राइट ऑप्शन ट्वेल्व एम सी क्यूज़ है जी ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट वाज लॉन्च बाय तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने स्विफ्ट रिजॉर्ट के नाम से ऑपरेशन किया था अगेंस्ट इंडिया सो राइट ऑप्शन इज़ बी नेक्स्ट जी चलते हैं एम सी क्यूज़ नंबर थर्टीन इन विच कंट्री पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी तो ईरान ने ही पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था सो so, पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट एम्बेसी भी ईरान के अंदर ही ओपन की सो राइट ऑप्शन इज़ सी उसके बाद जी एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन पाकिस्तान इज़ नाट अ मेम्बर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सो पाकिस्तान जी ट्वेंटी का मैंबर नहीं है सो राइट ऑप्शन इज़ बी फिफ्टीन एम सी क्यूज़ है नेम ऑफ़ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट सो पाकिस्तानी फ़र्स्ट एयरक्राफ्ट का नाम है जे एफ़ सेवनटीन सो राइट ऑप्शन इज़ ए सिक्सटीन एम सी क्यूज़ है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई इज़ लोकेटेड सो वो हमारे पास है मटारी सो राइट ऑप्शन इज़ बी सेवनटीन एम सी क्यूज़ है जी एन एग्रीमेंट ऑन द डी मार्केशन ऑफ बाउंड्री वाज कंक्लूडिड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना सो नाइनटीन सिक्सटी थ्री के अंदर एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने बॉड्री एग्रीमेंट जो है इस पर बाउंड्री बाउंड्री जो है उसकी डी मार्केशन कर ली थी ए टी एन एम सी क्यूज है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ तशकंट एग्रीमेंट वो थे जी लाल बहादुर शास्त्री सो राइट ऑप्शन इज़ ए नाइन्टीन एम सी क्यूज़ है नो परसन शैल बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनलेस हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर आ पीरियड ऑफ सो राइट ऑप्शन इज़ फाइव ईयर सो राइट ऑप्शन इज़ ए लास्ट एम सी क्यूज है ट्वेंटी हु इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल माउंटीनियर टू कनक्योर माउंट एवरेस्ट तो सबसे पहली जो फीमेल जिसने माउंट एवरेस्ट को कंक्योर किया वो है जी समीना बेग सो राइट ऑप्शन इज बी सो so, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़